अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, हम आए दिन सोशल मीडिया पे वीडियोस देख रहे होते हैं रिगार्डिंग कैनेडियन वर्क परमिट NPR के विदाउट आइल्स क्वालिफिकेशन, विदाउट एनी एज रिस्ट्रिक्शन जो है आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट शोबाजात में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फूड पैकिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। तो इसके हवाले से काइंडली क्लाइंट्स को गाइड करिएगा। थैंक यू मैम। अच्छा जी, अगर आप आउटसाइड कैनेडा हैं, आप ना ये फूड पैकिंग की जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ना आप कोई एग्रीकल्चर की जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एजुकेशन मिनिमम इंटरमीडिएट या आपके पास साइट्स 5 या 6 स्कोर नहीं है, तो आप ये जॉब कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते, ना कोई एक्चुअल में ऐसी कोई जॉब होती है कैनेडा में। अगर आप आउटसाइड इनसाइड कैनेडा हैं, आप कैनेडा में हैं, कैनेडा में विजिट वीज़ा पर गए हुए हैं या किसी भी वीज़ा पर, फिर आप ये जॉब इन कैनेडा अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिल सकती है। अदरवाइज आउट ऑफ कैनेडा आप किसी भी कंट्री में हैं, तो आप ये जॉब से बगैर एजुकेशन या आर्ट्स के बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते। हम भी सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, ये जस्ट व्यूज़ लेने के लिए लोग वीडियो बना देते हैं कि यहाँ पे फूड पैकिंग की जॉब आ गई है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की जॉब आ गई है, बट रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना आप कैनेडा PR पे, ना वर्क परमिट पे, किसी किस्म के भी LMI या वर्क परमिट पे आप विदाउट आर्ट्स या विदाउट एजुकेशन जा ही नहीं सकते, आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। सो ना आप अपना टाइम वेस्ट किया करें। अगर आपके पास एजुकेशन इंटरमीडिएट या आपके पास साइट्स है, फिर आप ये प्रोग्राम अवेल करें या अप्लाई करें। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं करते, आपके पास ये चीज़ें हैं ही नहीं, तो आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हैं? ना इन चक्करों में पड़ें कि आप वहाँ पे फूड पैकिंग जॉब ले रहे हैं, आप वहाँ पे एग्रीकल्चर की जॉब ले रहे हैं। देखिए, अगर आप मेन एप्लीकेंट हैं, आपके पास आइट्स नहीं है, आप एजुकेशन नहीं है, तो आप अप्लाई कर नहीं सकते। अगर आप सेकंड एप्लीकेंट हैं सपोज है, तो फिर तो आप साथ जा सकते हैं, लेकिन मेन एप्लीकेंट के पास मिनिमम इंटरमीडिएट या मिनिमम आइट्स स्कोर 5-6 होना चाहिए। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन चीज़ों से बचा करें, अवॉइड किया करें। अगर आपके पास एजुकेशन या आप आइट्स नहीं कर सकते, तो आप कैनेडा के लिए बिल्कुल ही अप्लाई ना करें। थैंक यू। जजाकल्ला।